वैशाखी के मेले में आपका हार्दिक स्वागत है। पीछे पीछे भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों का कितना जुल्म कर रहे हैं और अब तो आदि हो गई है हमें अपने ही घर से बाहर निकलने की आजादी मिली है। भाइयों, हमें इस चीज का विरोध करना होगा। अंग्रेजी सरकार वापस आओ, मुर्दाबाद। अंग्रेजी सरकार वापस आओ। On 13th April 1919, our people were brutally killed at Jallianwala Bagh, Amritsar, Punjab, by the order of a British servant, General Dyer. So 379 people were killed and about 1200 were injured. We, the cadets of 79 UK Battalion, DSB Campus, Naital, are here to present Anukar Natak for them. आज के युग में आप भले ही आजादी की कीमत पहचाने या ना पहचाने, पर आज एक सफर हमारे साथ जरूर कीजिएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर हमें आजादी कैसे मिली, और जनरल डायर कौन था, मार्शल लॉ क्या था। 179 यूके बटालियन एनसीसी के कैडेट अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। सूरज गगन में जब तलखा बाज रहेगा, ये जलियांवाला बाग हमें याद रहेगा। हर जुल्म से हिंदुस्तान आजाद रहेगा, ये जलियांवाला बाग हमें याद रहेगा। ये जलियांवाला बाग हमें याद रहेगा। भाइयों, तुम सबको पता है कल वैशाखी के मेले में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, और तुम्हें पता है सैफुद्दीन खिलजू और सत्यपाल की काला पानी की सजा अंग्रेजी सरकार ने माफ करने से मना कर दिया है। तभी इसका आयोजन किया जा रहा है। स्लो 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 स्लो, हर खासे हमको इत्तला दी जाती है जनरल डायर के नए हुक्म से शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति रात 8 बजे बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। घर से बाहर पाए जाने पर उसे गोली मार दी जाएगी। सुनो 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 सुनो। अरे अभी कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी है? अब हमें हमारे घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाएगा। मेरा क्या होगा भैया, मैं तो रात 10 बजे मजदूरी करके आता हूँ। हमारे देश में रहकर हम इस पर हुकूमत चलाते हैं भाइयों, हमें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वैशाखी का मेला कहाँ लगेगा? जलियांवाला बाग लगेगा। वैशाखी का मेला कहाँ लगेगा? जलियांवाला बाग लगेगा। भाइयों और बहनों, वैशाखी के मेले में आपका हार्दिक स्वागत है। पीछे पीछे भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों का कितना जुल्म कर रहे हैं और अब तो आदि हो गई है हमें अपने ही घर से बाहर निकलने की आजादी मिली है। भाइयों, हमें इस चीज का विरोध करना होगा। अंग्रेजी सरकार वापस आओ, मुर्दाबाद।